बाजी को लेने के लिए, तो मैंने कहा बाजी है चले घर चलते हैं, आज चने बनाने, रात को चने बना लेते हैं आज ना। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखिए मसाला भूना जा रहा है, मिसम गई है, खत्म हो गई। खत्म अच्छा। मम्मा हमारे लिए बना रही है अब चाय। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक है। अब हमारी हो गई है सुबह और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि बच्चों ने जाना है स्कूल में, तो इसलिए मैंने कहा सुबह सुबह के टाइम में चाय रस देकर बच्चों को स्कूल भेज चुकी हूँ जी। ये हमारी चाय बन रही है, ये दूध भी गर्म हो रहा है। हाँ जी अर्शना जी, तैयारी है नाश्ते की जी। अच्छा, अहमद भी बैठा हुआ है और कैक्षा भी और अर्शना भी और सजावर इस वक्त कर रहे हैं तैयारी स्कूल की, और वो भी अभी आ रहे हैं नाश्ते के लिए। तो चलो बच्चों नाश्ता करो और फिर तैयारी करना स्कूल की, ठीक है जी। आज अर्शना को तो वैसे भी बुखार हुआ हुआ है, और कल तो वैसे भी संडे था, 3 दिन से बुखार है। सुबह से बुखार है ना अर्शना को, तो इसलिए चले ठीक है, अभी नाश्ता कराते फिर जी। से जावल आ गए हो आप जी, अभी थोड़ा पीछे से कर लिया तैयारी, कर ली आपने, तो चले ठीक है, आप नाश्ता कर लो अब, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करनी है स्कूल की तैयारी, तैयारी हो गई ना, चले ठीक है नाश्ता कर लो, फिर आप लोगों ने स्कूल जाना है। अहमद इस वक्त क्या कर रहे हैं? खेल रहे हो? किस चीज के साथ? कार के साथ। अच्छा, कार के साथ सुबह सुबह जी, ठीक है। क्या कर रहे हो? ये शूज पहन रहे हो? अच्छा, शूज पहन रहे हो, चलिए ठीक है। हाँ जी, क्या बात है अहमद? अल्लाह अकबर, 10 रुपए लिए आपने, चलिए ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, चलिए ठीक है। हाँ जी सजावल जी, कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो जी, चले ठीक है, फिर अच्छी बात है ना, जाए ठीक है। कक्षा आप भी जा रही हो? चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। तो आज अर्शना को बुखार है, तो मैम को बता देना अर्शना को बुखार है, अर्शना इसलिए नहीं आ रही आज, ठीक है। तो माशाल्लाह बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और अब ये दोपहर का खाना खा रहे हैं। क्या हुआ कक्षा? अच्छा चलो खाओ खाना, फिर ठीक हो गया जल्दी से। आप भी खाना खा रहे हो जी? चलो जी खाओ फिर, ये जो मैंने रात आलू बनाए थे। आप भी खाना खा रहे हो जी? चलो जी खाओ फिर, ये जो मैंने रात आलू बनाए थे। तो जी प्यारे बहन भाइयों, ये देखिए जी बारिश आ चुकी है, तेज बारिश है। तो और बच्चों अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो और बारिश है, बादल बहुत गहरे हैं, बादल छाए हुए हैं, और मैंने मोटर चला ली जल्दी से ताकि टैंकी फुल हो। ये रात का टाइम है, हमारे साथ ही घर है और मैं ही हूँ अपनी दोस्त के यहाँ। और ये देखिए जी चूल्हे में आग जल चुकी है जी। रजिया बाजी जी, आग जलाई हुई है। हाँ जी, चाय बना रहे। मैं इतनी रजिया बाजी को लेने के लिए, तो मैंने कहा बाजी है चले घर चलते हैं, आज चने बनाने, रात को चने बना लेते हैं आज ना, और सुबह फिर पूरियां और हलवा सारी चीजें सुबह बनाएंगे। और हवा ने बहुत तंग किया हुआ है। शमी मेरे साथ मौजूद है। हां जी कक्षा जी, चाय पीते हैं फिर चलते हैं, ठीक है आंटी के साथ। भैया रात का टाइम है और 7 बज चुके हैं, 7:30, और मैं आई हूँ अपनी दोस्त के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ, साथ ही घर है ना। तो अब वो बना दी है चाय, और मैंने कहा चाय पीते फिर घर चलते, क्योंकि आज हमने 27 रजब है और आज रात हमने अपनी इबादत में भी गुजारेंगे, और कुछ हमने खाना वगैरह बनाना है जो सुबह हमने तकसीम करना है, तो वो भी सब बहन भाई के साथ मैं शेयर करती रहूंगी। चाय बन रही है अब, और रजिया बाजी ने चाय बननी रख दी, और कक्षा पास बैठी हुई है और इधर बाजी बैठी हुई है। हाँ जी ये चाय पी के फिर घर चलते हैं। हवा इतनी तेज है, अभी बारिश भी आई थी और अब बारिश बंद हो चुकी है।
हवा बहुत तेज चल रही है कि चूल्हा भी नहीं जल रहा। जी चाय हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, तो जिस बहन भाई ने आना है आए और हमारे साथ चाय पिए। बाजी रजिया जी जी, बहन भाइयों को भी दावत दे दे। हाँ जी आए पिए बैठ के हमारे साथ चाय। हमारे साथ चाय पिए बिल्कुल जी। जय माता दी बनाई है बहन भाई। हाँ जी, तो चावल मिल चुके हैं। और कहाँ से आए? ये मस्जिद में से चावल आए हैं। मस्जिद वालों ने जो है चावल भेजे, चावल भेजे तो माशाल्लाह। तो आज की रात बहुत जबरदस्त उनका मिलाद था, मैं खुद भी गया था, खुद भी गए थे तो। और अभी सलातन तस्बीह होनी है उनकी। हाँ जी, वो तो उन्होंने आधे घंटे का जरा टाइम दिया है कि आधे घंटे बाद है 11 बजे सलातन तस्बीह, तो मैंने भी जाना है वहाँ पे। तो आ जाए मेरे बहन भाइयों, जिसने खाने हैं आए और हमारे साथ। आधी रात का टाइम है और चावल हमें मिल गए, हम अपने भी काम कर रहे हैं, चने बना रहे हैं रात को और बाकी काम हम सुबह करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो ये चने हमारे, मैंने उबाल चना चाट बना रही हो क्या? नहीं नहीं, चने बनेंगे। अच्छा, तो ये आलू उबले हुए देखे हैं ना मैंने, ये जो बाजारी चने होते हैं ना उसी के चने बना रही हूँ। चले चने, चनों के साथ ना मैंने आलू उबाल लिए, प्याज भी काट लिए, प्याज कट चुके, अदरक लहसुन वो छिला हुआ रखा हुआ है। और इसके अलावा जो दाल छोटा बीच में, ये कोक भी डालनी है बीच में? नहीं यार, ये तो अपने पीने के लिए मंगाई है, शुक्र आप ले आए। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद जो जैसे जैसे बनेगा ना फिर मैं साथ शेयर करती हूँ सब बनता। ठीक है ठीक है। घी डाला जा रहा है प्याज डालकर उसमें, घी थोड़ा नहीं रहेगा यार? नहीं काफी है, बहुत अच्छा सही रहेगा। अच्छा चलो, तो ये जो इसमें चावल छोटा चावल और जो इसमें ये ऐड होंगे ना क्या कहते हैं दाल, मसूर की दाल, वो भी इसमें ऐड होंगे। ठीक हो गया। चार पाँच छः और हल्दी, नमक, थोड़ी नहीं रही? नहीं हल्दी काफी है, एक चम्मच पूरा। तो जी ये है गरम मसाला जिसमें है जायफल, जावित्री, तेज पत्ता, जीरा, काले मिर्च, सफेद मिर्च, सफेद मिर्च नहीं डाली था जी, सफेद मिर्च ये सब। और ये टमाटर, टमाटर है इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट है। हाँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट है, बाकी सारे मसाले, बाकी मसाले वगैरह सारे मिलावटी खातून ने मिलावट कर दी है। और ये है वो मिलावटी खातून हमारी जो कि इस वक्त रात में बैठकर पका रही हैं। मैं क्या करूँ, मैं मेरे साथ तो धोखा हो गया। कैसे? मैंने कहा था एक बार चले मैं ना पूरियां बनाने वाले को ना घर बुला के ना उनसे पूरियां बनवा लेंगे, बाकी पराठे चने और हलवा मैं बना दूंगी। तो आज उन्होंने इनकार कर दिया था, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन परसों उन्होंने कहा था मेरे पास टाइम है। तो बस अब तो जो होना था वो गया होगा, बस फिर खुद करना तो खुद है, खुद बनाना पड़ा है। और ये धोखा मिला, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी जिंदगी में ऐसा। और ये देखें चम्मच से घोटा जा रहा है प्याज को, प्याज ब्राउन नहीं हो रहे जल्दी से, गैस कम आ रहा है ना इसलिए। तो मैं तो दिल करता वहाँ पे चूल्हा बना लूँ, एक घंटे नीचे आग लगाऊं ज्यादा जल्दी बन जाए। आग लगा दो बस आग। हाँ जी, फिर ताकि जल्दी बन जाए, है ना? आग लगा दो बाजी, बस बाजी, तो बाजी क्या। और ये देखें चम्मच से घोटा जा रहा है प्याज को, प्याज ब्राउन नहीं हो रहे जल्दी से, गैस कम आ रहा है ना इसलिए। तो मैं तो दिल करता वहाँ पे चूल्हा बना लूँ, एक घंटे नीचे आग लगाऊं ज्यादा जल्दी बन जाए। आग लगा दो बस आग। हाँ जी, फिर ताकि जल्दी बन जाए, है ना? आग लगा दो बाजी, बस बाजी, बाजी, बाजी। जी बाजी, तो जी। बर्तन धो दिया आपने? हाँ जी। अच्छा, बर्तन धो दिए, अभी ये रह गया, एक रह गया, इसको धोने लगे, इतने सारे धो भी दिए। हाँ जी, बाजी वाह बाजी, आपका तो जवाब नहीं। अब मैं कहती हूँ चूल्हा बना लें, चूल्हा बना, क्योंकि गैस कम आ रहा ना भाई, गैस बिल्कुल कम। अल्लाह बारी से जलाओ यार, नहीं वही चूल्हा ऐसे सारी दांत बदल जाएगी, फिर सुबह जल्दी भी तो उठना है। चलो देखते हैं, अभी सुबह हलवा भी बनाना है। बनाते हैं जी, बनाते हैं।
तो जी ये माशाल्लाह देखे कारी साहब ने फिर बहुत सारे चावल भेज दिए मस्जिद से। चलो मैंने कहा ये बाजी भी आई हुई है और हमारा लाला भी आया हुआ है। अच्छा जब दो चार लोग आ जाते हैं तो घर में रौनक सी लग जाती है। वैसे माशाल्लाह जी बहुत सारे चावल भेजती है। तो प्यारे बहन भाइयों ये देखिए दो अदद खवातीन और उनसे आग नहीं लग रही। नहीं आग लग जाएगी चूल्हा। जिनको आग लगाने का इतना तजर्बा और उनसे आग ना लगे बंदे को कितनी कितनी वो होती है फिर। अच्छा बेचैनी हो जाती है। बेचैनी के ये तो आग लगाने की मास्टर है और इनसे आग ही नहीं लग रही। वैसे खवातीन तो वैसे ही बदनाम है कम। वैसे अब मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं नहीं लगा दो मुझ पे इल्जाम। तुम्हारे घर में कौन सा झगड़ा करवा दिया मैंने। नहीं हम झगड़ा आग लग गई। हाँ जी ये देखे जी कामयाब हो गई ये दो खवातीन। आग लग गई। तो प्यारे बहन भाई ये देखे ये पतीला आ गया है हमारे चने इस आग के ऊपर और ये बाजी हमारी बैठी हैं जो कि इस वक्त आग लगाए जा रही हैं इसमें और ये हमारी मैडम आग लगाने वाली। हाँ जी मैं भी आ गई हूँ आग लगाने वाली। सर क्या दें आप। तो जी प्यारे बहन भाई अभी तक प्याज नहीं ब्राउन हुए हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हुए। ये प्यारे बहन भाई आग लगा दी इन्होंने बहुत ज्यादा ही बहुत ज्यादा आग लगा दी है ये। कुछ नहीं और ये इसमें तमाम मसालों की मिलावट कर दी गई है। हाँ जी मैंने मिलावट हाँ जी हाँ जी तो खड़े होना पड़ेगा। और ये देखें बैठ के तो पका ही नहीं पा रही इतनी आग लगा दी है इन्होंने। यार मेरा कंबल ना जला देना तुम लोग। तो कंबल आपने अभी क्यों डाला। धूप यहीं भी आ रही थी यार। धूप नहीं कंबल आपको बचा देगा। मेरे जेज के कंबल है जलने नहीं देती मैं टेंशन नहीं ले। मारे बगे दिए हुए कंबल है मेरे बुगे इसलिए मुझे भी अजीज है। मुझे एक कंबल नहीं जेज में काफी सारे कंबल हमें मिले थे। प्यारे बहन भाई इधर दाल चावल और दोनों ही चीजें ये उबाली जा रही हैं। थोड़ा बक बक खा जा रही है। तो प्यारे बहन भाई ये देखिए मसाला भुना जा रहा है। मसाला प्याज ब्राउन करके उसमें सारे मसाले जहाँ डाल दिए थे और उसके बाद उस मसाले की अब हो रही है तैयारी। हाँ जी काली मिर्च और कौन सी पक्की है। ये पक्की नहीं है काली मिर्च और सफेद। मैंने कहा पता नहीं हाजमे के लिए को पक्की भी डाल दी। काली मिर्च और सफेद मिर्च भाई मिर्चों का इस्तेमाल तो बड़ा बेतरीक तरीके से करती हूँ मैडम। अंदाजा है ना अंदाजे से करना पड़ता है। बच गई। बच गई बच गई। बहुत अफसोस हुआ। नहीं बल लीजा नहीं बल। हो गई नरम ये सारी चीजें। हाँ जी ये नरम। अच्छा तो ये उठा के उसमें मिक्स करनी है। हाँ जी ये मसाले में मिक्स करनी है ऐसे। ये देखिए जी और कुछ हमारा बताओ इसमें। ये मसाले के अंदर डाल दी गई है। जब ये चने बनेंगे ना तो बहुत मजेदार बनेंगे चने। अच्छा हाँ जी मैंने तो खाए नहीं आज तक। सर क्यों झूठ बोलते हैं बड़ा हर बार कहते रोज कहता हूँ भूल जाऊं तुम्हें मगर रोज ये बात भूल जाता हूँ। वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह इतनी मेहनते। हाँ जी ये उठा लिया मैं जिन्हें दो किलो वजन नहीं उठ रहा तुमसे। आराम से चीट ना पड़े। Thank you.
ये पक गए छोले? नहीं नहीं अभी तो नहीं पक गए, बहुत देर है। इसमें रिवाड़ी वालों वाला जायका है? जी हाँ जी, रिवाड़ी वालों वाला जायका है इसमें। तो चने हो गए तैयार? हाँ जी चने तैयार है। अच्छा हाँ जी, तो आग मिसम गई है? आग मिसम गई है, खत्म हो गई, खत्म हो गई। ये अभी धनिया हमारा, एक मिनट इधर ऐसे, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो जी जो आलू उबाले थे हमने, हाँ जी, वो सारे घुल चुके हैं बीच में? वो सारे ही घुल चुके हैं और चावल भी घुल चुके हैं हमारे, और मजेदार चने हमारे तैयार हो चुके हैं। सब्ज मिर्च भी और धनिया भी, हर चीज हमने ऐड कर दी है। तो जी ये तो चने हो गए हमारे तैयार, और ये है वो दो खवातीन जो रात को हम लगी हैं इस वक्त, और ये साबुत ही आ गया था बीच में, मैंने वो निकाल दिया। तो जी प्यारे बहन भाइयों, थक भी बहुत गए हैं, रात का टाइम है, 3 बज चुके हैं अभी जागते जागते हमें, और बाकी काम तो हम सुबह करेंगे। चने हमारे तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और बहुत मुबारक रात है। उसके बाद हम नफल वगैरह अपने अदा करेंगे, तो फिर 1 घंटा रेस्ट करूंगी मैं फिर, क्योंकि सुबह उठकर वो हलवा पूरियाँ बनानी है और पराठे वगैरह बनाने हैं, सब देखेंगे पराठे बनते हैं या रोटी लगवाते हैं। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह, वो सुबह देखेंगे। तो जी आज का हमारा व्लॉग, ये व्लॉग तो नहीं कह सकते हम तो इसे, तो जो भी हमारी ये वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, अच्छी लगी होगी, और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब लाजमी करना। और जो भी हमें पाकिस्तान, बिरौन ममालिक, इंडिया से जहाँ जहाँ से हमें देख रहे हैं, सबको मतलब से अस्सलामुअलैकुम, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अच्छी सी वीडियो में, और सब बहन भाई काफी ज्यादा मौजूद होंगे यहाँ पे, तो सबके साथ एक अच्छा सा व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। और तब तक के लिए हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।